जैसा आप जानते हैं, अभी महाराष्ट्र में जून महीने में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के दिन कुछ लोगों ने अपने फेसबुक पर और दूसरी जगह पर औरंगज़ेब की फ़ोटो लगाई, और उसके बाद कई लोग जो हिंदू संगठनों से जुड़े थे वो उन पर हमला करने आए। इसी में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये महाराष्ट्र में औरंगज़ेब की औलादें कैसे पैदा हो गई। अब यहाँ ये कोशिश की जा रही है कि हिंदू मुसलमान के नाम पे एक बाइनरी खड़ी की जाए, एक तरफ औरंगज़ेब और एक तरफ शिवाजी, क्योंकि जो सत्ता में अभी हैं वो सांप्रदायिक राजनीति का सहारा लेते हैं, और इसमें राजाओं के धर्म के आधार पे आज हिंदू मुसलमान की राजनीति या मुस्लिम विरोधी राजनीति या हिंदू मुसलमानों को बांटने की राजनीति की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें तो पहले महाराष्ट्र में ये बात अफजल खान के नाम पे होती थी। अफजल खान जो आदिलशाही का एक सेनापति था, वो शिवाजी महाराज से लड़ने आया था, और उसकी और शिवाजी की मुठभेड़ में अफजल खान खुद मारा गया। पहले इसको बहुत प्रोजेक्ट किया गया था, इसके नाम पर सांगली में 10-15 साल पहले दंगे भी करवाए गए थे, और उसमें जब अफजल खान के बारे में बताया गया, बाद में इस बारे में बहुत सामाजिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई। पर कुछ दोस्तों ने एक बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने महाराष्ट्र में प्रचारित किया कि अफजल खान जो आया था उसके साथ बहुत सारे हिंदू सेनापति थे, और तो और अफजल खान का जो सचिव था वो था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी, और ये भी बताया गया, ये भी लोकप्रिय हो गया कि शिवाजी महाराज को वाघ नख ले जाने की सलाह जिसने दी थी, शिवाजी महाराज को वाघ नख ले जाने की सलाह जिसने दी थी वो था रुस्तमे जमान। यानी ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं था, ये सत्ता का मामला था, ये दो राजाओं का मामला था, ये धर्म का मामला नहीं था। ये बात जब लोकप्रिय हो गई तो अब अफजल खान के बाद कुछ तो पकड़ना है, तो इसलिए भी औरंगज़ेब को पकड़ के ला रहे हैं। और औरंगज़ेब के बारे में भी मैं 2-3 बातें बताना चाहूँगा। निश्चित रूप से औरंगज़ेब के बारे में जो कहा जाता है कि उसने शिवाजी महाराज के खिलाफ लड़ाई की, संभाजी महाराज के खिलाफ लड़ाई की, ये लड़ाइयाँ निश्चित रूप से हुई, पर इसमें धर्म का कोई एंगल, धर्म का कोई दृष्टिकोण नहीं था, ये निश्चित रूप से सत्ता की लड़ाइयाँ थी। जैसे हम देखें, शिवाजी महाराज अपने राज्य की स्थापना कर रहे थे, और अपने राज्य की स्थापना में सबसे पहली जो उनकी लड़ाई हुई वो चंद्र राव मोरे से हुई। अब उसके बाद जैसे वो अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे, तो इधर से आदिलशाही, उधर से औरंगज़ेब, ये दोनों काफ़ी परेशान हो गए कि ये कौन नया राजा बन रहा है, कौन अपने राज्य का विस्तार कर रहा है, और हर एक राजा अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है। तो इधर से आदिलशाही ने अफजल खान को भेजा, और औरंगज़ेब ने जो किया शिवाजी के खिलाफ, वो उसमें औरंगज़ेब खुद नहीं आए थे, ख्याल रखिएगा, औरंगज़ेब खुद नहीं आए थे, और औरंगज़ेब की तरफ से जो आए थे उनका नाम था मिर्ज़ा राजा जयसिंह। मिर्ज़ा ये उनकी एक पोस्ट का नाम था, और राजा जयसिंह ये एक राजपूत थे, जो राजा जयसिंह, जसवंत सिंह, बहादुर वो दूसरे उनके जो फिनेंस डिपार्टमेंट के थे, ये सब औरंगज़ेब के साथी थे। यानी ये बात स्पष्ट है कि औरंगज़ेब का प्रशासन केवल मुसलमानों के आधार पे नहीं था, औरंगज़ेब का प्रशासन ये मुस्लिम प्रशासन नहीं था। ये बात निश्चित है कि औरंगज़ेब एक चालाक राजा था, उसने अपने राज्य का विस्तार बहुत किया, और जितने भी मुसलमान राजा हुए उनमें सबसे ज़्यादा विस्तार औरंगज़ेब के राज्य में हुआ, इसमें कोई शंका नहीं है।